ए भुक्कड़, तुमने इनके अंकल पर गोलियां चलाई तो क्या करता उदय भाई? खाली भुक्कड़ बेहोशी का नाटक कर रहा बुड्ढा। बुड्ढा कह रहे हैं, कोई तमीज ही नहीं है बात करने की। इनके अंकल को तुम बुड्ढा कहोगे? बुड्ढा ये मत भूलो कि वो बुड्ढा मेरा होने वाला रिश्तेदार है। मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी गोली चलाने की? अरे मैंने सोचा थोड़ा गोली सुंगाऊंगा तो होश में आ जाएगा। पूछिए, अगर एक आधी गोली लग जाती अंकल को? एक आध गोली लग जाती तो अंकल को? गलती हो गई, सॉरी। अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा? मैंने कहा था जाओ गोली चलाओ, कहा था नहीं ना, क्यों चलाई गोली? और भाई साहब वो वाली बात, अंकल को उठाने वाली जो मैंने बताई थी, और ऐसे ऐसे गंदे इशारे कर रहे थे। कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है इसका? कैसे उठाओगे इसके अंकल को ऐसे? साला मुश्किल से एक रिश्ता जुड़ा है, इतना नेक होनहार लड़का मिला है, उस रिश्ते को तुड़वा दोगे? साले मार दो, मार दो मेरे को, मार दो। लेकिन आपको जो टेंशन देगा ना, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा उदय भाई। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, क्या करूं इसका, क्या करूं? मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। बल्लू बता क्या किया था इसने, बता। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया, तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। लेकिन इंसान अच्छे हैं, मुझे फौरन हॉस्पिटल लेके गए, मेरी नई टांग लगवाई। सुना, दिल का बुरा नहीं है ये, मुझे टेंशन में देख नहीं सकता, इतनी फिक्र क्यों करता है मजनू? संजना की मंगनी 13 तारीख को ही होगी। राजीव बड़ा समझदार लड़का है, अपने अंकल को होश में लाएगा, समझाएगा, लेकर आएगा, तू फिक्र मत कर। हाँ तो फिर आप ही पूछ लीजिए इससे, मंगनी में अपने अंकल को ये लेकर आएगा या मैं लेके आऊं? अब आप ही ले आइए मजनू जी, मेरे अंकल मेरे माँ बाप की तरह, और मेरे माँ बाप की कोई बेइज्जती करे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन इन गोलियों के डर से मैं शादी नहीं करूंगा। एक्सक्यूज मी भाई साहब, मैं जा रहा हूँ, अगर आपको रोकना हो तो मेरी पीठ पे गोली चला देना। राजीव, राजीव, इसकी तरफ से मैं माफी मांगूंगा।